हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं, इस वक्त आपके माइंड में जो भी पसंद चल रहे हैं वो आपको राइट नाउ अर्जेंटली आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। कुछ मैसेजेस मैं इसमें से निकालूंगी, बाकी अलग से निकालेंगे। वो ही अर्जेंट मैसेज राम जी जो मेरे व्यूअर्स तक पहुंचने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट नाउ इनके पर्सन की तरफ से। सो यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकले हैं। सो अभी राइट नाउ आपके पर्सन आपको अर्जेंटली जो मैसेज देना चाहते हैं वो चेक करते हैं। इसके थ्रू निकाल लेते हैं। ओके, सो फाइनली मैंने निकाल लिए हैं और डेक के थ्रू भी जरूर चेक करूंगी मैं आपके पर्सन अर्जेंट आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उससे पहले हम ये वाले मैसेज चेक कर लेते हैं। सो आपको अर्जेंट इस वक्त आपको जो मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन वो है, पहला मैसेज है हमारी अधूरी कहानी। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद ये कहानी अधूरी रह गई है। ये याद रखिएगा, ये इनके तरफ से एक अर्जेंट मैसेज है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ये मैसेज निकला है, आगे आगे देखिए इनकी वाइब्रेशन कैसे चेंज होती है, ठीक है। कभी एक वक्त तो ऐसा सोचते हैं जैसे आप दोनों की कहानी अधूरी रह गई है, फिर अगले ही पल सोचते हैं सॉन्ग आया है ना, सीखा कभी जीना, जीना कभी जीना, जीना जीना सॉन्ग आया है। सो एक पल तो इनको लगता है कि आप दोनों की कहानी अधूरी रह गई है, और एक पल इनको ऐसा लगता है जैसे आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैसेज, ये सॉन्ग था वैसे, हमें सब याद है, आपके पर्सन कुछ नहीं भूले हैं। अगर आपको लगता है कि पर्सन भूल चुके हैं, पास्ट को भूल चुके हैं, आपको भूल चुके हैं, तो मैं आपको एक बात एकदम से क्लियर कर दूं, आपके पर्सन को सब याद है। एक सेकेंड, मैं आपको क्लियर दिखा दूं। ओके, आपके पर्सन को सब याद है, आपके साथ बिताए हुए हर पल इस इंसान को याद है। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव, वापस आ जाओ। आपसे कह रहे हैं आपके पर्सन की वापस आ जाओ आप इनकी लाइफ में। नेक्स्ट, शायद यही हमारी किस्मत में है। गाइज, मुझे जहाँ तक फील हो रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कभी उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन एंड हो गया है, कभी उनको लगता है कि नहीं, इस कनेक्शन में फिर से न्यू स्टार्ट होगा। सनम तेरी कसम, पता नहीं कौन वो सनम तेरी कसम मूवी का ही सॉन्ग है। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआओं में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। इनके लिए बद्दुआ बन चुकी है। आप अगर आप इनकी लाइफ से निकल गए हैं तो ये इनके लिए बद्दुआ से कम नहीं है। मैंने चुन लिया सनम, ये भी सॉन्ग है, तुझको दिल का साथ ही चुन लिया। आपकी पर्सन ने आप ही को चुना है, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जो भी हो। नेक्स्ट है, आई टॉक टू अदर्स अबाउट यू। सो अभी टैरो से चेक करते हैं, आपके पर्सन बातें तो करते हैं अपने दोस्तों से, आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, ये अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। लड़ाकू विमान है पर तू मेरी जान है, ये वो सॉन्ग क्लिक हुआ है। आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये बातें करते हैं कि आप इनसे छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हैं। अभी मुझे नहीं पता आप करते हैं या नहीं करते, आपको अच्छे से पता आप करते हो या नहीं करते, लेकिन ये अपने लिटरली अपने दोस्तों से ऐसा ज़रूर कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते हैं, आप बहुत झगड़ालू हो, आप फाइट तो आपसे कभी भी करवा लो, रात के 2 बजे उठा के भी आपसे फाइट करवा लो तो आप रेडी हैं। लेकिन प्यार दोनों का म्यूचुअल है, आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल
प्यार करते हैं और यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान ज़्यादा करता है एक कम करता है, आप दोनों के बीच प्यार बहुत है। शायद तभी इतने आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आपके पर्सन अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपके साथ ये अलग ही कनेक्शन फील कर पाते हैं, आप इनके सोलमेट हैं। भले ही इनको ये एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता है सोलमेट वाला, लेकिन हाँ ये अपने दोस्तों से ये ज़रूर कहते हैं कि आपके साथ ये अलग ही कनेक्शन फील कर पाते हैं। नेक्स्ट मैसेज है, मिसिंग यू बैडली। आपके पर्सन राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड और क्या है, आई एम वेटिंग फॉर राइट टाइम। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। जैसे ही राइट टाइम आएगा इनको लगेगा कि ये राइट टाइम है, अभी इनको एक्शन लेना चाहिए, तो ये ज़रूर एक्शन लेंगे। सो अर्जेंट मैसेज इनकी तरफ से ये लगा मुझे कि आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत जल्द आ रहे हैं, बस ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। फॉरगेट द पास्ट, ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाए। पास्ट में हो सकता है आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है इस इंसान के साथ, सो ये चाहते हैं कि आप पास्ट को भूल जाएं और इनके साथ पास्ट को भुला के एक न्यू स्टार्ट करें। आई नेवर ओके, ये मैसेज शायद एक दो दिन पहले भी आया था रीडिंग में। इस इंसान का इरादा कभी नहीं होता आपको हर्ट करने का, लेकिन ये हो जाता है। ये इंटेंशनली आपको हर्ट नहीं करते, करेंगे भी क्यों। आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई लव यू। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। अवेकनिंग, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं। दैट्स वाई वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, इनको स्पेस चाहिए, तो आप इनको स्पेस दें। अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम, इनको फील हो रहा है कि अच्छा इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, मुझे क्योंकि ये कार्ड पहले, इससे पहले आया था अवेकनिंग का और फिर ये आया। दैट मीन्स हो सकता है या तो ये इस कनेक्शन के प्रति अवेकन हुए हैं कहीं, या तो इनको पता लग गया सोलमेट कनेक्शन क्या होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, इसी का कन्फर्मेशन मुझे लेना है। हे बाबा भोलेनाथ, क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनको पता लग गया है जर्नी के बारे में। डेफिनेटली आपके पर्सन को अब डेफिनेटली साइन मिल चुका है कि आपके साथ ही किसी जर्नी में है, आप माने या ना माने, लेकिन आपके पर्सन को कहीं से तो साइन मिला है। जहाँ इस इंसान ने लिटरली सर्च किया है कि सोलमेट जर्नी क्या होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। अच्छा ये मैसेज तो हमने देख लिया, ओके और क्या है। नेक्स्ट है हम स्टक, आपके पर्सन राइट नाउ स्टक हैं किसी सिचुएशन में। दैट्स वाई ये राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, ये उस सिचुएशन से जब बाहर निकलेंगे तभी तो आपकी तरफ एक्शन ले पाएंगे। यहाँ पे मैसेज आया है आज भी उतना ही चाहते हैं आपको। सो आज भी आपके पर्सन आपको उतना ही चाहते हैं जितना इन्होंने पास्ट में आपको कभी चाहा था। आई एम कमिंग बैक, ओके बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। देखिए आई एम कमिंग बैक, सो आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या है, आई एम ओपन टू कॉम्प्रोमाइज़। आपके पर्सन अभी रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। मे बी पास्ट में ये रेडी नहीं थे, पास्ट में ये आप ही को अपनी बातें मनवाने के लिए आपको फोर्स कर रहे थे मे बी, या आपके सामने कोई कंडीशन रखती थी, बट ये खुद बैंड होने के लिए रेडी नहीं थे। ये थोड़ा सा भी बैंड नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में, थोड़ा सा भी नहीं झुक रहे थे, कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं थे, बट राइट नाउ अभी ये रेडी है। नेक्स्ट मैसेज है आई हेट दैट आई लव यू सो मच। इनको नफरत है इस बात से कि आपको ये बहुत चाहते हैं। कभी कभी इनको खुद पर गुस्सा आता है कि आपको इतना क्यों चाहते हैं। अरे मेरे व्यूवर्स हैं ही ऐसे, क्यों नहीं चाहोगे। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अगेन वेट, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, कि आपको कमिटमेंट भी देंगे, आप जो इस कनेक्शन से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं वो भी आपकी पूरी होंगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। सो आप वेट कर सकते हैं, मूव ऑन तो बिल्कुल नहीं करने गए, बिल्कुल नहीं। अभी मैं एक सॉन्ग देखूंगी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए राइट नाउ, आपके पर्सन की तरफ से एक सॉन्ग। ऐसे सॉन्ग तो आ गए हैं, फिर भी अलग से एक सॉन्ग देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स पे। सॉन्ग आया है
ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, मुझे आता भी नहीं है। सो आपकी जो पर्सन है ये आपसे कनेक्ट हो चुके हैं, अभी इस कनेक्शन से निकल पाना इनके लिए इजी नहीं है। अगर ये चाहे तो भी नहीं निकल पाते, कोई डोर है आपसे जो बंद चुकी है और मुझे नहीं लगता वो इजीली टूट पाएगी। सो आपकी जो पर्सन है ये आपसे, इनका मोह जुड़ गया है आपका, आपके ऊपर आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा मोह है। सो जिसकी वजह से क्या है, ये आपके बिना रह भी नहीं पाते बट आपको कह भी नहीं पाते। सो आपके पर्सन ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रहेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। सो अभी मैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं आते तब तक आपको क्या करने की ज़रूरत। ओके, ये कार्ड अपने आप से गिरा है, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे है वोरी। गाइज आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, जिसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा टेंशन ना लें। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, मतलब क्यों ले रहे हो? क्या विश्वास नहीं है अपने भगवान पे? क्या आपको विश्वास नहीं है इस कनेक्शन पे? क्या आपको खुद पे विश्वास नहीं है कि आपके जितना इस इंसान को कोई नहीं चाह सकता, आपके जितना प्यार इस इंसान को कोई नहीं दे सकता? तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? ये आप ही के हैं। अगर यूनिवर्स ने आपको ये पर्सन दिए हैं, अगर ये आपके जो पार्टनर हैं, अगर इनसे मिलवाया है तो अलग करने के लिए नहीं मिलवाया। अगर आपको ये जर्नी दी है तो कंप्लीट करने के लिए दी है, ना कि बीच में छोड़ने की। और कुछ भी हो जाओ, चाहे आप क्विट करने की सोचो, लेकिन यूनिवर्स आपसे ये जर्नी कंप्लीट करवा के ही दम लेंगे, और आप करोगे भी, और आप दोनों एक दूसरे से रिकनसाइल भी करोगे, परमानेंट यूनियन में भी आओगे। सो टेंशन किस बात की जब आपको पता ही है? बस हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है, तो वो तो सबकी लाइफ में होती है। मुझे ये बता दो, किसी एक की लाइफ की बहुत अच्छी चल रही है, उनकी उसकी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि क्या पता वो इंसान दिखावे में बिलीव करता हो, दिखाता कुछ और है, अंदर से कुछ और ही चल रहा है, तो वो बात अलग होगी। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है। सो गाइस, ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय श्री राम।